जब ये नौकरी के बेसिस पे ये रिश्ता लगा था, जब ये नौकरी ही नहीं तो ये रिश्ता भी खत्म। मम्मी पापा एक्चुअली बहुत सपना सजा रहे थे अपनी बेटी के लिए। गवर्नमेंट जॉब एक तरह का हम बोल सकते हैं कि वो लोग का शायद दहेज का रेट फिक्स करता है। पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी पिछले 14 दिनों से सड़कों की खाक छान रहे हैं, लेकिन अब तक ना तो राजनीतिक गलियारों में ना तो सत्ता के हुक्मरानों तक इनकी बात पहुंची है और ना ही कोई रास्ता निकल पाया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जूही कुमारी, जो खुद इस पंचायत सचिव के परीक्षा में सफल रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये कहें कि इनकी सगाई हो चुकी थी और ये परीक्षा में सफलता के बाद जब नौकरी का प्रमाण पत्र, नौकरी का नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो इनकी सगाई भी टूट गई। आइए इनकी कहानी खुद इनकी ज़ुबानी सुनने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक परिवार एक नौकरी की वजह से इतना बेबस और लाचार हो गया है। जूही जी, अपना नाम पता पूरा। जूही कुमारी गोड्डे जिले से है। रहने वाली, कब आपके ये मंगनी कब हुई थी, एंगेजमेंट कब हुआ था और किस बुनियाद पर ये एंगेजमेंट टूटा है? देखिए, नवंबर में मेरा नवंबर 2020 में मेरा सगाई हुआ था और जो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो मेरा हो गया था सितंबर 2019 में। तो उसी बेसिस पे मतलब मेरा जब ये रिश्ता हुआ था तो उसी बेसिस पे हुआ था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, अब बस ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो फिर नवंबर में सगाई कर लेते हैं और फिर मार्च अप्रैल में जो लगन आता है मई में उसमें शादी कर देंगे। बट उसके बाद से हम लोग कुछ उसके बाद होने ही वाला था, बट ये जो सरकार है पलट गई, हेमंत रघुवर दास की सरकार चली गई और हेमंत सोरेन की सरकार आ गई। तो उस समय भी भरोसा था एक, क्योंकि हेमंत सोरेन मतलब हम लोग को बोले थे, हेमंत सोरेन जी बोले थे कि जब भी हम लोग हम सबसे पहले, क्योंकि उनका मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि हम सब मतलब पंचायत सचिव की नियुक्ति कराएंगे और सबसे पहले जो भी कैबिनेट का मतलब होगा बैठक तो उसमें सबसे पहले यही काम करेंगे। इसी बुनियाद पर अपने लड़के वालों को, आपके परिवार वालों ने बता दिया कि मेरी बच्ची का सरकारी नौकरी होना तय है? हाँ, होना तय है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था और गर्ल्स का 50% रिजर्व था और मेरा जो मार्क्स वगैरह सारा जो था मेरिट मतलब बहुत अच्छे थे, तो ऑफकोर्स वो कन्फर्मेशन ही माना जाता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीना लगता है ज्वाइनिंग पोस्टिंग करने के लिए। तो यही आधार था मेरे मतलब शादी का जो बेसिस था वही। उधर से कुछ मांग वगैरह की गई थी जब उनको पता चला कि आपकी अब जॉब होल्डर होने वाली हैं, फिर उन लोग बोले कि नहीं हमको मांग नहीं चाहिए, शादी चाहिए, तो फिर क्या बात हुई? देखिए, उसके बाद तो वो सगाई हो गया नवंबर में, तो उसके बाद वो लोग बोले कि ठीक है मतलब जॉब तो होने वाली है लड़की का, तो आप मतलब पहले तो 10 लाख मांगे थे, बट अब बोले कि ठीक है अगर लड़की वाली है तो आप दहेज मत दीजिए, बट नौकरी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग का वो नवंबर में सगाई हो गया एंड फिर मई में शादी होने वाला था। बट वो लोग मतलब वो लोग का जो इंटेंशन था वो ये था कि जॉब पहले पोस्टिंग हो जाए उसके बाद शादी करेंगे। तो फिर वो मतलब इंतज़ार किए और हम लोग भी इंतज़ार कर रहे थे, मम्मी पापा का जो एक उम्मीद होता है कि अब होगा और अब शादी होगा, मतलब मम्मी पापा एक्चुअली बहुत सपना सजाए रहते हैं अपनी बेटी के लिए। तो वो लोग मतलब बहुत इंतज़ार कर रहे थे और उधर वाले लोग भी बहुत इंतज़ार कर रहे थे। बट फिर एंड मतलब धीरे धीरे वो लोग ना मतलब वो लोग का जो हम लोग के बीच का जो रिलेशन था मतलब हम लोग के फैमिली एंड वो लोग के फैमिली धीरे धीरे बिगड़ते गया कि ड्यू टू दिस नौकरी। अब मतलब क्या हुआ फिर जब पता चला तो वो लोग फिर बाद में बीच बीच में ताना भी मारने लगे कि ऐसा कोई नौकरी नहीं लगता कि जिसमें इतना वेट हो, और वो लोग को हम लोग पे शक भी था कि शायद हम लोग झूठ बोले हैं। बट जब ये हेमंत सोरेन वो जो एक 229 का जब संकल्प जारी किए धीरे धीरे तो वो शादी टालते गए और फिर जब संकल्प जारी हुआ तो वो लोग को पूरा विश्वास हो गया कि अगर नौकरी हुआ भी होगा, अगर हम लोग उनको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो सब दिखाएं तो वो लोग को विश्वास हो भी गया। बट ये जो हेमंत सोरेन एक आहारित करने वाला जब विज्ञापन है तो वो लोग पूरी तरह श्योर हो गए कि अब तो ये होने वाला नहीं है नौकरी, और फिर वो लोग मतलब रिश्ता तोड़ दिया। उन्होंने कुछ बताया फोन करके क्या क्यों कारण है, मतलब क्या रीजन है ये रिश्ता तोड़ने का? वो लोग बोले कि सबसे पहले तो जो आरोप लगा रहे थे वो ये आरोप लगा रहे थे कि मतलब ये तुम लोग तो पहले झूठ बोली हो, और दूसरा जो आरोप आया वो ये लगा कि ये जो अगर ये नौकरी जब ये नौकरी के बेसिस पे ये रिश्ता लगा था, जब ये नौकरी ही नहीं तो ये रिश्ता भी खत्म। तो मतलब पहले जो 10 लाख रुपए का डिमांड किया गया तो वो 10 लाख रुपए क्यों छोड़ दिया गया, मतलब क्या बोला गया कि नौकरी है इस वजह से छोड़ दे रहे?
हाँ देखिए, वो लोग को हमको जैसा लगता है कि वो लोग 10 लाख इसलिए छोड़ देते क्योंकि वो लोग को लगा था कि अगर शादी हो भी जाता है तो पैसा तो मतलब 10 लाख एक साथ नहीं आएगा, बट 10 लाख से बहुत ज़्यादा आएगा, हाँ इंस्टॉलमेंट में आ जाएगा शायद, इसलिए तो वो जब रिश्ता टूट गया तो फिर आपके घर परिवार वाले फिर क्या किया, कोशिश किए कि उनको जोड़ा जाए किसी तरह से? हाँ मतलब घर परिवार वाले तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा उदास हो गए क्योंकि ऑफ कोर्स हर एक का सपना होता है कि मेरी बेटी का जो शादी हो, मतलब लड़का बहुत अच्छा हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, तो वो गवर्नमेंट जॉब में था तो एक निराशा हुई। फिर बाद में मतलब समझ में आया कि अभी जब शादी हुआ नहीं है तो इतना आरोप लग रहा है, और शादी हो जाएगा तो फिर और भी रिश्ता खराब हो सकता है। आपको क्या लगता है ये रिश्ता टूटना आपके लिए सही रहा पर्सनली आपके लिए? देखिए ये रिश्ता मतलब हम तो सोच रहे कि ये रिश्ता मतलब टूटना ठीक रहा, बट अगर देखिए अगर हमको उसको जवाब देना, उस लड़के को जवाब देना है तो मुझे ये नौकरी मतलब अगर हो जाए तो शायद हम उसको जवाब दे सकते हैं कि हम लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, सच में मतलब ये नौकरी मतलब होने वाली थी। और आपने बताया कि ग्रुप डी के लिए वो लड़का उस लड़के का चयन हुआ है, तो ग्रुप डी मतलब फोर्थ ग्रेड में जब नौकरियाँ होती तो उसका डिमांड इस तरह से है, तो लग रहा है मतलब सरकारी नौकरी ही एक योग्यता है लड़कों का? हाँ बोल सकते हैं कि आजकल जो सरकारी नौकरी का जो क्रेज़ है वो बहुत ज़्यादा मतलब खासकर झारखंड बिहार और छत्तीसगढ़ में आप देखें तो मतलब लड़के लोग में और लड़कियाँ जो भी हो गवर्नमेंट जॉब का बहुत क्रेज़ है, और वो लोग का मतलब गवर्नमेंट जॉब एक तरह का हम बोल सकते हैं कि वो लोग का शायद दहेज का रेट फिक्स करता है, मीन्स किस टाइप का जॉब है, फोर्थ ग्रेड है तो और ज़्यादा, और अगर अफसर ग्रेड का तो और ज़्यादा मतलब रेट बढ़ते जाता है। जूही जी, अब उस लड़के को या उस परिवार को आपको जवाब देना है या फिर उनको बताना है कि आप जो बोल रही हैं वो सही है, या आप अपना मुस्तकबिल या फ्यूचर बेहतर बनाएंगे, किस तरह से जवाब दे पाएंगे उनको? देखिए एक तो हम वही जवाब दें कि सच में अगर मेरा ज्वाइनिंग हो जाता तभी तो हम उसको जवाब देंगे, क्योंकि देखिए अगर मेरा ये जॉब हो जाता तो ऑफकोर्स पेपर वगैरह में छपेगा और वो ऑफकोर्स इनडायरेक्ट रूप से उनको पता ही चल जाएगा, बट अगर हेमंत सोरेन मेरा सपोर्ट करे तो हम उसको जवाब दे सकते हैं, और शायद उसको नहीं, आई थिंक उसको सिर्फ जवाब नहीं दे सकते कि ये ऐसा थिंकिंग रखने वाले सारे लड़के को, इस टाइप की लड़की हम नहीं, ऐसे बहुत सारी लड़कियाँ जो आप ये सब चीज़ जो हम आपको शेयर कर रहे हैं वो और कोई नहीं कर रही है, बट हिम्मत करके हम कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी लड़की उस सारे लड़के को जवाब दे सकती है। हाँ क्या अगर मान लीजिए आपका इस ये नौकरी हो जाती है तो क्या फिर आप अप्रोच करेंगे उस लड़के से आपकी शादी हो जाए? नेवर, हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि एक देखिए जो बुनियाद होता है वो विश्वास पे होता है, और जब विश्वास ही टूट गया तो, और उस वो मेरे को डिजर्व ही नहीं करता था वो लड़का, और उससे बेटर मतलब जब मुझे नौकरी हो जाएगी मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊँगी, इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी, तो ऑफकोर्स मेरे लिए उससे भी अच्छे अच्छे रिश्ते आ जाएंगे, बट बस हेमंत सोरेन हम लोग को सपोर्ट करेंगे तभी ये पॉसिबल है। इस तरह से गोड्डा का एक परिवार, जूही कुमारी ने बताया कि उनका परिवार किस तरह से दुख और तकलीफ के दौर से भी गुजर रहा है, लेकिन वो हिम्मत और हौसला का दामन नहीं छोड़ी है, कहती हैं कि आज निकल उनकी नौकरी तो ज़रूर लगेगी, लिहाजा वो सिर्फ एक उस लड़के को जवाब नहीं दे पाएंगी बल्कि उन तमाम पुरुष समाज को जवाब दे पाएंगी जो इस तरह की मानसिकता और इस तरह की ज़हनियत रखता है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बायस्कोप के लिए शाहनवाज।